नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं एक आध्यात्मिक चर्चा के साथ एक बार और आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ कि भगवान कौन है। मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। किसी जिज्ञासु शुद्धात्मा ने मुझसे ये प्रश्न पूछा। हमने जिस सनातन संस्कृति में जन्म लिया तो जाना कि जन्म देने वाला भी वो है, बचाने वाला भी वो है और मारने वाला भी वही भगवान होता है, क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान रहते हैं। भगवान को मानने वाले आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी। जहाँ सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे, वहीं त्रेता में दानव और देवता एक ही लोक में रहते आए। द्वापर में देवता और दानव का एक ही परिवार रहा और कलयुग में दानव और देव इस मनुष्य शरीर में रहते हैं। कोई भी मनुष्य हो या देवता आदि सब भगवान नहीं कहे जा सकते हैं। यह शब्द केवल परमात्मा के लिए है जिससे हमें जीवन जीने का आधार मिलता है। भगवान गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसे सदा हमेशा ध्यान करने का मन करता हो। वैदिक धर्म है क्या, यानी कि सनातन रूप। सनातन का अर्थ है सना यानि जो सदा ही बना रहे या निरंतर। तन का अर्थ है वर्तमान, यानि कि जिसका न आदि है न कोई अंत है, अर्थात सदा शाश्वत। सनातन का प्रतीक चिन्ह, जैसे कि आप जानते हैं कि ओम और सनातन परंपरा का शब्द भी ओम है। सभी देव चाहे मानव हों इसी सनातन पथ पर ही उद्भव हुआ, जिसमें धर्म के 5 संप्रदाय विशेष तौर पर मान्यताओं में हैं। गणपत्य गणेश, वैष्णव विष्णु, शैव शिव और शक्ति यानि दुर्गा और भगवान सूर्य। संस्कृत भाषा में भगवान भंज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सेवा याम, यानि जिसमें सभी 6 गुण होते हैं। भगवान जो भग धातु से बना है, वैसे भग के 6 अर्थ या गुण होते हैं, ऐश्वर्य धर्म श्री यश गान और त्याग। कल्याण और दया कर सभी मनुष्य जीव जंतु एवं पंच तत्वों को, जो एक प्राकृतिक को दर्शाता है।
मानव जीवन के चार लक्ष्य होते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, जो केवल और केवल तीर्थ यात्रा से ही फलीभूत होते हैं। तीर्थ वैसे तो 9 प्रकार के कहे गए हैं, जिनमें 3 स्थायी तीर्थ और 6 जो हमारे आसपास रहते हैं। पहले 3 यात्राएं नित्य, भगवत और संत तीर्थ, दूसरे 6 तीर्थ, एक होता है भक्त, एक होते हैं गुरु, एक होते हैं माता, एक होती है पिता और एक होता है पति और एक होती है पत्नी। नित्य तीर्थ में भगवान के प्रसिद्ध धाम आते हैं, जो कि नदियों के किनारे या ऊंचे हिमालय जैसे कैलाश जैसी वादियों में निवासित रहते हैं। भगवत तीर्थ जहाँ भगवान ने अवतार लिए हों, जैसे त्रेता में राम ने और द्वापर में श्री कृष्ण। संत तीर्थ यात्रा जहाँ जन्म लिया, साधना की भूमि और समाधि भूमि, बाकी 6 तीर्थ आपके घर गृहस्थी में ही मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भक्त, गुरु, माता, पिता, पति और पत्नी। वैदिक परंपरा मान्यताओं में भाव से भूमि या भक्ति, गौ से गगन या ज्ञान, वा से वायु या वास, आ से अग्नि, न से नीर या नित्य। हम यह भी कह सकते हैं कि प्राकृत हमारे भगवान हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर पंच तत्वों को कभी दूषित ना होने दें और सदैव सदा स्वच्छ रखें। अवतार क्या है? यानी ऊपर किसी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान उतरना हो, अर्थात परमात्मा का धरा पथ पर आगमन होने को ही अवतार माना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति ग्रंथों में जल अर्थात यानी नीर से मानी जाती है। जीव जो केवल जल में ही जीवित रहते हैं, ऐसा विज्ञान भी कहता है। यानी कि मछली ही प्रथम जीव थी, ऐसा ही धर्म ग्रंथों में भी कहते हैं और हमारे यहीं से प्रथम अवतार मत्स्य अवतार को माना गया है। भगवान ने धरती आकाश बनाया, हमें इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म इसलिए दिलाया ताकि हम अपने मोक्ष प्राप्ति के साधन बन सकें। अपने कर्म से भले या बुरे का भेद कर खुद को सदाचार और सुंदर भविष्य की ओर अग्रसर होते रहें। जीव जंतु पशु पक्षी सबके बिना भेदभाव के मदद और भला कर सके। फिर सृष्टि की रचना में ऐसे जीव को जल और थल दोनों जगहों पर समान रूप में रह सकते हों। फिर सृष्टि रचना में ऐसे जीव जो चारों पैरों पर खड़े होकर चल सकता था, दौड़ सकता था। फिर सृष्टि रचना ऐसे जीव की जो शरीर से नर रूप और चेहरे से सिंह रूप था, जो नरसिंह अवतार की उत्पत्ति मानी जाती है। दिव्यता का भान होता है नरसिंह अवतार में। फिर सृष्टि रचना में आते हैं परशुराम, जो शरीर से तो मानव और हाथ में
फरसा लिए हुए वही हैं परशुराम अवतार। फिर सृष्टि रचना में आता है मनुष्य बनने की प्रक्रिया, प्रारंभिक रूप से शुरुआत हो चुकी होती है। इसके लिए विष्णु भगवान वामन अवतार लेते हैं। वामन भक्ति ध्यान तप को मनुष्यत्व का गुण बनाता है। मनुष्यों से पृथ्वी पड़ती दिखाई पड़ती है। अहंकार दुर्भावना घृणा को खत्म करता है। वैसे यज्ञादि को प्रमुख रूप से पांच प्रकार से कहे जाते रहे हैं, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्य देवयज्ञ एवं अतिथियज्ञ। यज्ञादि पालन से ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण, प्रकृति ऋण, मातृ ऋण समाप्त होता है। फिर सृष्टि की रचना में आते हैं, जहां त्रेता के राम अर्थात मर्यादा में पुरुषोत्तम का युग आता है। मनुष्य और पशु के बीच की रेखा बहुत क्षीण लगती है, उनके बीच संवाद होता है। फिर सृष्टि की रचना में आता है द्वापर के कृष्ण श्री कृष्ण का युग, जो कला कोमलता संगीत प्रेम वास्तुकला के साथ साथ अद्भुत इंजीनियरिंग का युग कहा जाता है।